आपको इस गाड़ी में बैठने में डर नहीं लगता? बैठाला नहीं इसने मुझे अभी। बिठाया नहीं? अभी तो बैठाला नहीं। भाई पहाड़ पे आ गए, हमने तो अपनी छत खोल लिया। ये देखो भाई कैसे गया भाई, कैसे गया? गाली क्यों दे रहे हो? गाली भाई क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो हेलमेट रख दिया था ना उन्होंने तो। अरे हेलमेट फंस गया। अरे यार। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो आज सभी जा रहे हैं पूजा दी घर पे, सभी को छोड़ के आना है, अम्मा मम्मी चाची पीयूष सभी के सभी। मम्मी भी रेडी हो गई है, मम्मी का व्रत है इसलिए सेब खा रही है। और मैं बात सुन लो, वहाँ नाचना मत, आपके पैरों में दर्द है, कहीं वहाँ नाचने लग जाओ। नाचूंगी ले, पैरों में दर्द है लेकिन नाचना जरूरी है। इतनी दवाइयाँ खा रहे हो फिर भी? मम्मी जैसे भजन सुनती है ना, मम्मी शुरू हो जाती है नाचना ऐसे, और पैरों में दर्द हो रही होगी फिर भी नाचती रहेगी, फिर मम्मी को कोई दिक्कत नहीं, फिर घर आके बोलेगी और पैरों में दर्द हो गया मेरे तो। अम्मा आप भी नाच लेना, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ओरियो को भूख नहीं लगी, नहीं तो इस तरह से हाथ नहीं लगा देता। ये प्लेट पे भी देखो, अभी इतनी दूर से देख रहे फिर भी खा ले, रोटी वाटी खा ले। चलो मम्मी चाची अम्मा और पीयूष बैठ गए, चलते हैं। चलो भाई पहुंच गए, तो अब जा रहा हूँ घर अकेले, सबको छोड़ दिया है, घर पहुंच चुके हैं। स्कूल से आते ही फोन दो, यहाँ तो अब चलते हैं, वहीं पे चलते हैं पूजा दी घर पे, और हम जाएंगे पोर्स लेके और कुनाली को खेलना वानू के साथ। खोल दो। लो खोल दी बस। जय माता दी। क्या हुआ कुनाली, क्या हुआ, क्या हुआ? अभी पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे अभी। और सुनो, इसको मुंह मत रखो, सीट बेल्ट को मुंह पे नहीं लगाते। Things go down. Guys, मैं कुनाली के लिए वापस आया था, पता नहीं तो मैं वहाँ रुक सकता था मम्मी लोगों के साथ, बट फिर मुझे लगा कुनाली को बुरा लगेगा, कुनाली अकेला हो जाएगा ना घर में, इसीलिए मैं घर पे गया कि कुनाली को लेके फिर जाऊंगा, फिर रुकूंगा वहाँ पे। पीयूष तो यहीं घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है तू? कहीं आया था। तो अभी मेरा दोस्त आ चुका है, ये वानू। वानू आ चुका है जिसके हाथ। कौन सी कार है ये? पोर्शे। हां तो गाइस अभी मैं जा रहा हूं वानू के साथ खेलने। जा रही है? हां जा रही है, चलो। अरे आगे से टायर उठ गया। गाइज देख लो, बिल्कुल मस्त पार्क हो गई है, वो भी ऐसी जगह पे देखो, यहाँ पत्थर वत्थर है, यहाँ से मैं नीचे लेके आया और इजिली आ चुके हैं, मतलब इतनी नीचे भी नहीं है, तो मतलब अगर आपके पास ऐसी पार्किंग है तो आप पार्क कर सकते हो ऐसी गाड़ी को भी। और देखो यहाँ से ढलान है फिर भी आ गई आराम से, ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए बस, फिर कहीं भी चलेगी, पहाड़ में, गलियों में, नॉर्मल गाँव में भी चलेगी। गाइज सबका यहाँ पे आने का रीज़न ये है, माधव का जनेऊ होने वाला है, तो कल जनेऊ है, कल बाल कटेंगे, सब कुछ होगा। और मेरा, पीयूष का और साहिल का जनेऊ हो चुका है, बस कुनाली का रह गया, इसके बाद कुनाली का भी होगा जनेऊ। आपका जनेऊ बाकी है अभी, पता है, आपको गंजा होना पड़ेगा। गाइज ये देखो, हमने अभी नोटिस किया, ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये i20 है और ये पोर्श है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये देखो, मतलब थोड़ी नीचे होगी ये i20 से, इधर से ऊंची है देखो काफ़ी ज़्यादा, बट उधर से ऊंची नहीं है, और आगे से भी देखो, आगे से भी डिफरेंस है काफ़ी। कुनाली तो आते ही क्रिकेट खेलने लग गए यहाँ पे वानू के साथ। दो जने खेल रहे हो बस? बस दो जने क्रिकेट खेल रहे हो? ये देखो भाई, ये फील्डिंग देखो भाई, फील्डिंग कौन कर रहा है? देखो मानू नहीं बोला। गाइस देखो सभी सेम बने हुए हमारे पहाड़ी ट्रेडिशन में, पिछवाड़े में, नथ में, बस अम्मा ने नथ नहीं डाली है, बाकी सब ने डाली है, बाकी सब सेम लग रहे हैं। अम्मा स्माइल स्माइल, हंसो 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 ना अम्मा। भाई इसको निकालने में बहुत दिक्कत हुई, वहां से टायर घूम रहा था बहुत। ये कितनी छोटी है ना, एक एक करके सबको ड्राइव देते हैं। हाँ। मम्मी और चाची ऊपर हैं। झूले में नहीं बिठाते, एक एक करके और से जा रही है। चलो अब चलते हैं घर, और मेरे साथ में आ रही है अम्मा। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे। कल सारे बाहर से ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, घर पे आके डिनर करके फिर सो गया था, तो अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब जल्दी से नहाते धोते, आज भी जाना वहीं पे, आज माधव का जने हुए तो चलते हैं वहीं पे, मंदिर जाना है हमको, तो अभी नहा धो के मस्त रेडी हो गए सभी, तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा मंदिर में। चलो अब निकलते हैं, हम जा रहे हैं फॉर्चुनर लेके। ये क्यों तोड़ रहे हो? ये वहाँ चाहिए बेटा। अच्छा तो ये पूजा में चाहिए, इसमें तो दूध निकल रहा है। आँख में लगा, ये आँख में लगा तो आँख खत्म है। मम्मी चाची अम्मा और पीयूष जा रहे हैं, तो गाइस पहुंच गए, गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया देखो मस्त खेत में, ये खड़ी हमारी गाड़ी, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। प्रणाम शिव परिवार, नौग्रह मंडल। ये नौग्रह मंडल, ये हमारे गोलू देवता, ये गोलू देवता, ये नरसिंह भगवान है, और ये संतोषी माता है।
राधा कृष्ण, ये माँ दुर्गा हो गई, ये माँ काली, ये भैरव जी महाराज और ये हनुमान जी महाराज जो मारुति नंदन सरकार जो मेन पहले आए। तो भी गाइस हम आ गए गन्ने के खेत में, मेरे पीछे देखो भाई पूरे गन्ने गन्ने। तो यहाँ से एक गन्ना तोड़ते हैं, वैसे हमारा खेत नहीं है बट एक तो तोड़ सकते हैं ना। आपके मामा का है, कोई कुछ कहेंगे तो नहीं हमको? कुछ नहीं कहेंगे। पक्का? तुम ले जाना घर को भी। हम चोरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चोरी होना अलाउड है, तुम ले जाओ सकते हो, जितना भी सकते हो जितना ले जा सकते हो। गाड़ी में रख देंगे पूरी, फॉर्च्यूनर में पूरी भर लूं? भर लो पूरे। तो गाइस परमिशन मिल गया, तो मैंने एक तोड़ा, एक पीयूष ने तोड़ा, तो छिलना नहीं था, दांत कम आता है, ये टाइट हिस्सा है ना, यहाँ पे ऐसे दांत लगा ऐसे। अरे भाई जब इसे वाइट वाइट हो जाए ना, इसका मतलब खाने के लिए रेडी है। देखते हैं पीयूष से टूटता नहीं टूटता। फुस फुस से लड़के हैं, फुस से लड़के आजकल के, कमेंट कर देना फुस पीयूष। गाँव बसाने लुटेरे पहले आ गए। ये देखो दूसरी पगली भी आ गई। क्या बोला? I am पगली। तो गई, मैं वहां से निकल गया हूँ, सबको वहीं छोड़ दिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ गेम के पास में, हमारा प्लान कहीं घूमने का सुपर कार लेके। तो पहले उनके घर पे जा रहा हूँ, सुपर कार उठाएंगे, फिर अपनी सुपर कार उठाएंगे, फिर चलेंगे मस्त घूमने के लिए दोनों सुपर कार लेके। आज कहाँ चल रहे हो आप बताओ? दोनों लेके चलेंगे। हाँ, पहले आपके घर चलते हैं फिर देखते हैं। हाँ, पहले घर चलते हैं उसके बाद। तो पहले मैं बताता हूँ, ये गेम हुडिया की मम्मी, आप जानते होंगे। आपको इस गाड़ी में बैठने में डर नहीं लगता? बैठाला नहीं इसने मुझे अभी। बिठाया नहीं अभी तो, बैठाला नहीं करता। अरे डर लगता है आपको? बैठी नहीं तो डर। मेरी मम्मी तो बैठती नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरी वाली गाड़ी में बैठती नहीं। बैठा ली डर लगता है मम्मी को? मैं अभी तक, मेरे को इतना बताओ मैंने कितनी बार निकाली है गाड़ी, मैंने निकाली नहीं है बार। भगाई नहीं आपको बिठा के? भगाई नहीं, नहीं, नहीं एक बार भी नहीं, नहीं। भैया छत खोलना इसकी। भाई थोड़ा सा गैप बचता है, सिर्फ थोड़ा सा। यहाँ पे एक काम करना, आप आगे चलना, मैं पीछे फॉर्च्यूनर लेके चलूंगा। चलो भाई निकल गए। ओहो सामने से गाड़ी आ गई, आगे स्कूटी खड़ी है, लग गया जाम। देखो ये दिक्कत होती है छोटी छोटी गलियों में ना। अब कोई और गाड़ी ना जाए, बस वो ऑटो आ गया। क्या स्पीड में आया है। लो भाई एक गाड़ी और आ गई। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मैं तो साइड में डाल के निकाल सकता हूँ कैसे भी। बट सुपर कार में दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ। जब मैं भी निकलता हूँ सुपर कार लेके ना, और गाड़ी आती है आगे से, तो मेरे को भी डर सा लगता है। तो अभी गाइस घर पे पहुँच चुके हैं, और पीछे देखो भाई दोनों की पोर्स खड़ी है। तो अब चलते हैं दोनों को लेके ऊपर पहाड़ की तरफ, और भूख भी लग रही है, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। भूख लग रही है थोड़ी नहीं। तो गाइस मैं तो जैकेट डाल ली, बिकॉज पहाड़ पे जा रहे हैं तो वहाँ ठंड होगी। यार क्या मस्त लग रहा है, देखो घर के बाहर दो दो सुपर कार खड़ी हैं। अब चलते हैं सीधा पहाड़ों की तरफ। भाई हम कभी कभी जा पाते हैं दोनों गाड़ियों को लेके, कभी वो फ्री नहीं होते, कभी मैं फ्री नहीं होता, कभी मैं दिल्ली आता हूँ, कभी वो दिल्ली आते हैं, तो हमारे काम ही ऐसा है ना। बट ऐसा बहुत कम ही हो पाता है कि हम साथ में दोनों गाड़ी लेके निकल पाते हैं। तो आज पॉसिबल हो पाया, दोनों फ्री थे। पहाड़ पे एंटर करने वाले, देखो सामने दिख गए ना पहाड़। भाई पहाड़ पे आगे हमने तो अपनी छत खोल ली है। ये देखो भाई कैसे गया, भाई कैसे गया, देखो। So I guess I can see how bad it rhymes playing you for a fool. अब हमने यूटर्न ले लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। गाली क्यों दे रहे हो? गाली नाम बताओ अपना नाम। ये जो बाइक पे दो लड़के थे ना गाइस, गाली दे रहे थे पीछे से, कह रहे फोटो चाहिए, ऊपर से गाली भी दे रहे हैं। तो सुनाई तो देगी ना, खुली खुली छत, सुनाई तो देगी ना। देखो भाग रहे हैं, अब भाग रहे हैं, पहले फोटो मांग रहे थे अब भाग रहे हैं। तो भी गाइस यहाँ पे रुके हैं, येलो वाली यहाँ पर कर दी है, रेड वाली यहाँ पे कर रहे हैं। भाई क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो हेलमेट रख दिया था ना उन्होंने, तो हेलमेट फंस गया। हाँ। अरे यार रुक जाएगा वो, और वो भी टूटेगा फेंडर पूरा। पापा रुक जाओ, ऐसे ही रहना, निकाल लूंगा। और चार 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 वो फ्री तो हो गया है, लेकिन अब निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? आगे कर दो तो आ जाएगा। पहली बार देखा यार। हाँ चल गया, हल्का सा आगे कर दो, लेकिन फिर आगे करेंगे तो फिर वो पीछे फंसेगा ना, पकड़े रहेंगे ना। अरे मैं निकालता हूँ यार, मेरे को दे, मेरे को मैं निकालता हूँ। आ तो गया, अभी निकल तो गया, आ तो गया, ये कैसे आ गया? गाइस आज जो गेम ऑफ हुडिया ने किया है ना मेरे लिए, मतलब मेरी गाड़ी के नीचे
हेलमेट फंस गया था और इन्होंने भाई हाथ डाल दिया और इनका हाथ लिटरली जल गया। ये देखो अभी क्या लगा रहे हैं, एक टूथपेस्ट। मेरी गाड़ी को बचाने के लिए अपने अपने हाथ जला दिए इन्होंने। आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी भाई, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी। हाँ ठीक है, चाबी दो मेरी आप ले लो। अरे वो बुला रहे हैं आपको यार, वहाँ फोटो खिंचाने के लिए। गाइस ये वही जगह है जहाँ पे हमको शूज उतारने पड़ते हैं बैठने के लिए। यहाँ से हमको अपनी गाड़ी भी दिखती रहेंगी मस्त। ये देखो येलो रेड दोनों। तो बैठते हैं यहाँ पे और यहाँ से व्यू देखो भाई, पहाड़ी पहाड़। ये देखो कितना मस्त बना रखे इन्होंने, ये टायर है, टायर के बीच में गाड़ियाँ रखी हुई हैं, क्या मस्त लग रहा है। मेरे को तो भूख लग रही है। मेरे को खुद लग रही है भूख। क्या खाओगे? मंगा रखा है मैंने ऑलरेडी कर दिया। क्या मंगाया? मोमो तो चाय करवा दिए, फ्राइज करवा दिए पेरी पेरी, फ्राइज बेस्ट, और उनका रैप करवा दिया है जो पनीर रैप था पिछली बार। मुझे एक बात पूछनी है, जैसे लोग चलते हुए गाली को देते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आता यार। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें झूठ भी नहीं बोलूंगा, ये मजाक वाली बात नहीं है। आपको भी दिए किसी ने? करते हैं यार, मेरे को नहीं पता। मेरे को भाई मतलब आपका तो समझ में आता है, एक बारी को मेरे को क्यों दे रहे हो? क्या समझ में आता है बताओ, क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है? Oops. मैंने क्या बिगाड़ा उनकी बाइक वाला? मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने क्या बिगाड़ा बताओ, क्या बिगाड़ा मैंने भाई? मेरे मन, आपने कभी मेरे को आज तक गाली गाली क्यों सुना है? मेरे मुंह से कभी गाली सुनी है? नहीं। मेरे थॉट्स गाली वाले सुने कभी? किसी के प्रति कुछ गलत सुना है? हेटफुल थॉट ही नहीं आते गाली, मेरे तो कभी माइंड में आता ही नहीं ऐसा कुछ। तो भाई क्यों बताओ, रीजन बताओ। जेन्युइनली मैं नहीं सोच सकता फिर, अब हमें पता ही नहीं वो कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये बात है। हम अपने दुखड़े एक दूसरे से बोल देते हैं कि हमारे साथ में ऐसा होता है। किससे शेयर करें? तुम्हें लग रहा है ये भी आएगा ब्लॉग, ये भी नहीं आएगा? बट अच्छा लगता है जैसे हम अपने अपनी पोर्श में बैठते हैं ना, अच्छी फीलिंग आती है। तो हमारा खाना आ चुका है, गर्मा गर्म फ्राइज, साथ में गर्मा गर्म चाय और साथ में पनीर रैप। गाइस ये देखो यहाँ पे उजाला दिख रहा है और वहाँ पे अंधेरा दिख रहा है। गाइज अभी पता चला कल गेम हुडिया का बर्थडे है, इन्होंने खुद बताया कल मेरा बर्थडे है। हाथ हटाओ कंधे से, पहले तो दोस्ती ये होती है दोस्ती। तो हाँ? कल मिले, कल पार्टी करेंगे बस, कल पार्टी देंगे। इन्होंने अब मुझसे बात मत करना, अब मुझसे बिल्कुल बात मत करना। तुम नई गाड़ी ली उसकी पार्टी नहीं दी, झूठ बोल रहे हो, पार्टी नहीं दी कुछ भाई। हम लोग यहीं पे एकदम सोशल रूफ टॉप पे आके मैंने इनको खिलाया था और आपने बिल भरा था, मैंने भरा था भाई, जो बिल भरता है पार्टी हो जाती है। अब हम खा रहे हैं मस्त चाउमीन, बैठे बैठे पूरा अंधेरा हो चुका है, तो क्या करें, चले फिर। अब बस ये चाय पीते चलते हैं। ये दोबारा चाय पी रहे हैं, तीसरी बार चाय पी रहे भाई। गाइस हम ऐसे ही कभी कभी मिलते हैं अपनी सुपर कार लेके, ऐसे ऊपर पहाड़ तक आते हैं मस्त, थोड़ी देर बैठते बातें करते हैं यूट्यूब के बारे में और चीजों के बारे में। तो गाइस अब जा रहे हैं घर, बहुत मजा आया, बहुत दिनों के बाद मिले। इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपसे मिली मिलके, कीप स्माइलिंग ओके। कल घर पे ही हो ना? हाँ जी। बर्थडे पार्टी घर पे ही? हाँ। कुनाली कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि कुनाली के पेपर आने वाले हैं। अब कल है गेम ऑफ इंडिया का बर्थडे, तो उनके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ मैं मस्त वाला, ताकि उनको बहुत अच्छा फील हो, स्पेशल फील हो बर्थडे वाले दिन। दो चीजें सोच रहा हूँ। तो भी गाइस एडिटिंग हो चुकी है, अब मैं कर रहा हूँ डिनर, भिंडी रोटी, और गेम ऑफ इंडिया के लिए सरप्राइज मैंने प्लान कर लिया। दो सरप्राइज प्लान किए हैं, वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, काफी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है, होपफुली उनको पसंद आएगा। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस बड़े बड़े शहरों में तो लोग सुपरकार लेके चलाते हैं, बट इस तरह की गलियों में चला के देखो ना, तो वो अलग ही मजा आता है।